हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 247 में। सो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे कि मैम सीएसईईटी का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर में, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से स्टार्टिंग करें जिससे कि हम लोग बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें, उसके साथ साथ हम लोग अच्छा स्कोर भी कर लें। सो बच्चों, इसीलिए हम लोग लेके आ गए हैं बच्चों आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएसईईटी नवंबर 2022। सो एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपके इस बार के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है बच्चों वो कितने मार्क्स को कैरी करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें बच्चों नवंबर में जो हमारा एग्जाम होने वाला है सीएसईईटी का, तो इसमें बच्चों हमारा पहला सब्जेक्ट होगा बच्चों बिजनेस कम्युनिकेशन। वैसे तो 4 सब्जेक्ट है, उसमें से पहला सब्जेक्ट हो गया बच्चों बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, और ये जो सब्जेक्ट है आपके 50 मार्क्स को यहां पे क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा, और बच्चों अगेन ये भी 35 इसमें क्वेश्चंस होंगे, और ये भी 50 मार्क्स को यहां पे क्या करेगा बच्चों, कैरी करेगा। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसमें भी अगेन 35 क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी 50 मार्क्स को यहां पे कैरी करेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा करंट अफेयर्स का पेपर होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्या करेगा बच्चों, 20 मार्क्स को यहां पे क्या करेगा बच्चों, यहां पे कवर करेगा, ठीक है। टोटल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 120 का आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके साथ-साथ आपके यहां पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, 4 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने होंगे, 170 होंगे। इसके अलावा बच्चों आपके राइटिंग और बच्चों आपका प्रेजेंटेशन भी होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, यानी आपका टोटल पूरा जो पेपर होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, आपके 200 मार्क्स का होने वाला है। अब 200 मार्क्स में से मैम कितने मार्क्स हम लोग लेके आए हैं जिससे कि हमारा एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, सो बच्चों हाफ यानी कि 50%, यानी 200 में से अगर आप 100 मार्क्स भी लाते हो तो इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे। अब देखो किस तरह से ये मार्क्स यहाँ पे कैरी होंगे या किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स कैरी होंगे, ये हम लोग जान लेते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने ऑलरेडी देख लिया कि 35 इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50 मार्क्स का पेपर होगा, 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और बच्चों जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। अगेन जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड और बच्चों लॉजिकल रीजनिंग्स है, ये हमारे 35 क्वेश्चंस आएंगे कैरी करता है। इसके साथ साथ अगेन इसमें भी 15 जो क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के होंगे, और 20 जो क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के होंगे। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। करंट अफेयर्स में भी बच्चों क्या होगा, 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे, इसके साथ साथ 10 MCQs जो होंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे। तो अपनी जो प्रिपरेशन है बच्चों आपको इसी तरह से करना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको देखना है कि आपको फोकस किस पे करना है। जैसे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों उनके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हमें ज्यादा क्वेश्चंस पे उन पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, ये तो हमारे अगर हम लोग 4 सब्जेक्ट की बात करें तो 20 MCQs हो गए, और ये यहाँ पे बच्चों आपको 20 मिनट्स में करने हैं, यानी हर MCQ को आपको 1 मिनट देना है, 1 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, आपने सही सुना है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, जिन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो उन्हीं को सही करना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा 170 क्या है बच्चों, टोटल मार्क्स यहाँ पे कैरी करता है ये 4 सब्जेक्ट। इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल होगा, जो कि आपके एग्जाम एंड होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चों ये 15 मिनट तक चलेगा, 30 मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चों, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से अगर आपके 50% यानी 100 मार्क्स भी आ जाते हैं तो बच्चों आप ईटी यानी कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लोगे।
अब अगर हम बात करें बच्चों कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है मैम, कैसे हम लोग हमारा CSEET का एग्जाम क्रैक करेंगे, तो ये जो पॉइंट है बच्चों ये अपनी जिंदगी में उतार लेना, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये वाली आपको उतारनी है अपने लाइफ में। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल दो। आपका जो भी सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, लीगल एप्टीट्यूड है, इन सब का सिलेबस आपको क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है और अपने साथ रखना है। जैसे जैसे जो जो पॉइंट आप जो आपका जो टॉपिक्स है बच्चों कवर होता जाएगा, आपको क्या करना है वहां पे अंडरलाइन करना है कि मेरा ये भी टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखना है और हमेशा पढ़ाई करते टाइम उसको अपने साथ रखना है। सेकंड है बच्चों, अपने आप को क्या देना है, आपको गोल देना है, टास्क देना है कि आपको डेली, मंथली, वीकली क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आपको डेली देखो, आपको गोल देना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बच्चों यहाँ पे क्या नहीं दोगे, गोल नहीं दोगे, टारगेट नहीं दोगे ना, तब तक आप इन चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। मंथली अपने गोल सेट कीजिए कि मंथ में मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं या मंथ में मुझे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो खत्म करना है। इसके साथ साथ डेली, वीकली, मंथली में हम लोग स्किप करने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आप डेली टास्क बनाओगे ना कि आज मुझे ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे इस पूरे चैप्टर के MCQs लगाने हैं, तो आपका ये जो टारगेट होगा बच्चों बहुत जल्दी यहाँ पे बच्चों पूरा भी हो जाएगा। और डेली टारगेट होता है भाई, एक दिन पूरा नहीं हुआ तो दूसरे दिन ये रहता है कि भाई उसको पूरा है, पूरा करना है, ये भी आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके अलावा जो आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है, मई में जो एग्जाम हुआ है बच्चों, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी आप सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम। इसके अलावा बच्चों आपको ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है या सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट को अटेंशन देनी है बच्चों, इक्वली अटेंशन देनी है, प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी काम करना है बच्चों, आपका वाइवा होगा उस पे भी आपको काम करना है, यानी सारी चीजों पे काम करना है आपको। एक नहीं है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे या दो सब्जेक्ट लेके बैठे, नहीं नहीं ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें सारों को इक्वली अटेंशन देनी है। थर्ड नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्या करना है, रेगुलर रिविजन और प्रैक्टिस करना है। रेगुलर रिविजन होना चाहिए, नहीं तो बच्चों हम लोग बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। और जो चैप्टर आप लोग करोगे, कोई भी चैप्टर है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड और सप्लाई का चैप्टर ले लिया, अब डिमांड और सप्लाई के जो क्वेश्चंस है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया, अब उसकी प्रैक्टिस करो, उनसे रिलेटेड कितने MCQs बन सकते हैं, हमारे एग्जाम में कितने आ सकते हैं, उन सब की क्या करना है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बच्चों करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि करंट अफेयर्स कैसे करें, पूरा एक महीने का करंट अफेयर लेके बैठ जाएंगे या एक साल का करंट अफेयर्स लेके बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ी बहुत यादें नहीं होती है बच्चों, क्योंकि करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स कैसे बनाना है आपको, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे बच्चों, डेली आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने होंगे। इसके लिए बच्चों जो हमारे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है आप वो ले सकते हो, इसके साथ साथ Adda 24/7 पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है वो ले सकते हो। और बच्चों सबसे मैंडेटरी है आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना है और उससे अपने नोट्स तैयार करना, ठीक है बच्चों। सो ये हमने देखा कि किस तरह से हम लोग CSEET NEERV 2020 का जो एग्जाम क्रैक करना है उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। आई होप सो बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप 12th में हो और 12th के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ आप CUET की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इसके लिए बच्चों बहुत सारे बैचेस निकले हुए हैं, Adda 24/7 आपके लिए बैचेस लेके आया है, तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हो। तो हमारे प्रीमियम बैच में अगर हम बात करें तो हमारे प्रीमियम बैच पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे तो हमारे प्रीमियम बैच पे अगर आप देखोगे बच्चा, तो हमारे प्रीमियम बैच पे कॉमर्स की अगर क्लासेस देखें तो क्लास 12 की आपकी बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी यहाँ पे। और इसके साथ साथ बच्चों इसमें क्या मिल रहा है आपको, 500+ hours की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही है, 2-way इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 15 full-length के टेस्ट पेपर मिलेंगे, 10+ selection tests मिलेंगे, PDF और नोट्स मिलेंगे, 3000+ MCQs को यहाँ पे बच्चों क्या कराया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है बच्चों। और ये बैच जो है बच्चों इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। ये बैच है बच्चों 12-month, 9-month या 2-month के लिए, आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग भी इनको ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं जो 12-month का बैच है बच्चों, उसकी जो प्राइस है वो है 9999। उसके अलावा जो 9-month का बैच है उसकी प्राइस है
8499। इसके अलावा 2 मंथ का जो बैच है उसकी जो प्राइस है 2499 है बच्चों। इन बैचेस को आप इजीली ले सकते हो, और अगर इनमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए आपको जस्ट कोड यूज करना है Y490 आपको कोड यूज करना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका यही बैच जो पहले 2499 का आ रहा था बच्चा, वही आप 2074 का आ रहा है। तो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज से बच्चों आपको, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको, और बच्चों आपकी बोर्ड के साथ साथ CUET की भी पूरी प्रिपरेशन होगी। आई होप सो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बताना। थैंक यू।